ये फुल रिंग बेस्ड है। वो रिंग बेस कैसे किया जाता है आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन चार्ज करना है, लेकिन क्वीन चार्ज करना है सिर्फ फाइनल करने के लिए, फाइनल बनाने के लिए सिर्फ क्वीन चार्ज करने पड़ता है। और देखो बोथ साइड से यहाँ से क्वीन थोड़ी सी वो फाइनल बनाएगा, और इस साइड से मेरा हीरोस आ जाएगा, ठीक है, इस साइड से मेरा हीरोस आ जाएगा, तो यहाँ से मतलब हीरोस मतलब किंग आ जाएगा, तो यह भी थोड़ी सी फाइनल हो जाएगा। तो तब जाकर मुझे ये बेस में जो अंदर सारे ट्रूप्स अंदर जाना चाहिए था वो अंदर चले जाएगा, तो आसानी से 3 स्टार आ सकता है। डाउनलोड फॉर्किन में 3 स्टार आना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं बोल दिया, इतना आसान नहीं है, बहुत टाप है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कर सकता है तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कभी होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, अभी भी मेरा क्वीन किंग नहीं जाता क्योंकि मैं क्वीन के लिए वेट कर रहा था, अभी तो क्वीन बिल्कुल सही चली गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो क्वीन के ऊपर जो रेस वगैरह चल रहा है वो रेस बहुत ही अच्छा गया। यहाँ पे मैं अपोनेंट सीसी आ गया तो दिक्कत होने वाला था, उसी के साथ एक फ्रीज भी आ गया, तो सारे जो सीसी में जो ट्रूप्स था मतलब विस था, विस गायब हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे काफी अच्छा भाई फाइनल बना गया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से फाइनल अच्छा हो गया, और क्वीन से काफी अच्छे वैल्यू भी मिल गया मेरे से, वन साइडेड फुली क्वीन क्लियर कर दिया। ये इसलिए भाई ये 3 स्टार आ गया, अदरवाइज कभी 3 स्टार नहीं आते। तो चलो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अटैक वगैरह कर रहा था मैंने, और भाई ने करके दिखाया कैसे किया जाता है ये वाला। ठीक, सबसे ये भी खतरनाक जो चीज है जो टाउन हॉल का अंदर पॉइजन है वो सबसे खतरनाक लगता है मेरे के, बाकी सब कुछ सही है। देखो सारे ट्रूप जो जो ट्रूप पॉइजन का बाहर है वो बच जाएगा, लेकिन जो पॉइजन का अंदर है वो कभी नहीं बचने वाला है, कभी नहीं जिंदा रहने वाला है। और यहाँ पे अभी रॉयल चैंपियन का एबिलिटी नहीं दिया गया है, क्योंकि उसको भाई अभी दे दिया गया है, जितना हो सके वो डिफेंस तोड़ा जाए जितना जल्दी, तो इस वजह से मैंने किया, नहीं तो वो क्या था वार्डन अभी भी जिंदा रहने वाला था, तो प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे वो आरसी का एबिलिटी थोड़ी सी पहले डाल दिया, क्योंकि जितना सारे डिफेंस हो सके वो आरसी के साथ मेरे को लेना है, वो यहाँ पे कर दिया। और देखो भाई अभी बेस में और कुछ नहीं है, मैं लूम अभी भी होल्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस फोड़ना वाला है, एयर डिफेंस लून को भाई काफी दिक्कत में दे सकता है, इसलिए मैंने अभी भी लून नहीं डिप्लॉय किया। अभी लून डिप्लॉय किया जाएगा इस साइड से, क्योंकि वो एयर डिफेंस का एरिया में आने से पहले ही एयर डिफेंस खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये किया। और आपको ये अटैक अच्छा लगा तो जरूर भाई लाइक कर देना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और इसी के साथ जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। देखो ये जो चलो बिल्कुल 1x पे कर रहा हूँ बेस खत्म, देखा जाएगा ये स्क्वायर वाला बेस कैसे किया किया जाता है। एक साइड से यक वो छोड़ा गया, पीछे से किंग क्वीन भी है, चलो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक लून आ गया, एक ड्रैगन भी आ गया, पीछे से सारे के सारे ड्रैग, उससे पीछे लून, उससे पीछे लाइक जीजी ओपी प्रो पी। चलो भाई डर नहीं लगता है आप लोगों को भाई, कैसे क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को डर नहीं लगता है ये बताओ, आप लोगों को डर नहीं लगता है क्या? ये मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, ठीक है बैठ भाई, बाद में मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, आप तो नहीं डालने वाला हूँ, मुझे पता लग गया, मैं ये डाल दूंगा। अच्छा अच्छा अटैक यहाँ पे शेयर करो खतरनाक ढंग से, मैं डाल दूंगा। या फिर तुम रिकॉर्ड करो मुझे थोड़ा भेज देना टेलीग्राम में, तो मैं अपलोड कर दूंगा। कोई डर नहीं है भाई का अंदर, कोई डर नहीं है, क्वीन है वहाँ पे, इसका डर है, विज़र्ड टावर है, लेकिन डर नहीं है, डर के आगे जीते ये देख के मुझे पता चल गया। अब भी चलो आरसी बेस खत्म करेगा ओपी तरीके से, बेस में और कुछ जान बचा ही नहीं है, खतरनाक ढंग से यहाँ पे बेस क्लियर हो चुकी, ओपी तरीके से बेस क्लियर हुआ भाई। अभी क्वीन क्या एबिलिटी है तो समझ सकते हो क्या होने वाला है यहाँ पे। चलो हो गया बेस ओपी तरीके से क्लियर भाई, ओपी भाई ओपी, जस्ट ओपी, कुछ और नहीं, जस्ट इट्स ओपी। चलो यहाँ पे बेस हो चुकी क्लियर। हर एक अटैक क्या किया गया यहाँ पे, जो हम बोलते क्लोन स्पिल के साथ अटैक किया गया, क्लोन ड्रैग ड्रैगन, ये अभी फिलहाल झुंब चक्कर रखा टाउन हॉल 14 के खिलाफ, और भाई ने आके हम लोगों को भाई क्या उड़ाया, क्या उड़ाया, ये मेरा वैसे
तो मेरा अब इसके ऊपर भी भाई लोगों ने 3 स्टार मार दिया आसानी से एवं एक ट्राई में ही कर दिया। ये देख के हम लोग तज्जब हो गए यार, सीरियसली। ये सारे के सारे अटैक जो है ना, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में ये बार मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे वीडियो बना के। तो आज नहीं करूंगा तो लेट हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, तो अभी करना ही पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ रहा है भाई। किंग को देखो भाई, ओपोनेंट क्या धूम मच रही है यार। ओ भाई ईगल, ईगल, ओ भाई 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 याक करो भाई, इसको बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग रोल। याक को देखो भाई क्या काम किया हूं? जो काम किया इनफ काम था याक के लिए। अभी थोड़ी देर बेस कोई भी नहीं देख रहा हूँ, तो भाई थोड़ी बेस कोई भी नहीं देख रहा। ये जो कुछ अटैक आप लोगों को देखने वाला हूँ, ये अटैक हमारे ऊपर आया था 2 दिन, दो नहीं लगभग 4 या 5 दिन पहले। तो वो सारे अटैक में थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी दूसरा कोई अटैक नहीं देख रहा, कोई बेस नहीं देख रहा। आपको थोड़ा वेट करने पड़ेगा, थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट वेट करने पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारे बेस भी मैं देखने वाला हूँ। देखो ये देखो भाई, क्लोन स्पेल का काम देखो। क्लोन स्पेल के ऊपर कोई काम नहीं होता है क्या? मतलब कुछ बेस के ऊपर तो भाई क्या तबाही मचा रखा है ये बंदा लोगों ने। ठीक है स्कटर भाई, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन यार। क्या क्या तबाही मचा है इन लोगों ने। ठीक है भाई, हमारा जो टीम है ना टूट गया, पूरा टूट गया इन लोगों से, हम हार गए थे यार। भाई वो पे फ्रीज देने से ना इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से ऐसे ही फ्रीज चला देते हैं। फिलहाल मैं थोड़ी देर बेस विजिट ऑफ किया, ये जो अटैक बटैक चल रहा है ये अटैक हम लोग देख लेते हैं, इसको बाद बेस विजिट करते हैं। ठीक है इसको बाद बेस विजिट करते हैं, क्योंकि ये वाला है ना आज मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कल और नहीं कर पाऊंगा, वो हाथ से निकल जाएगा, तो इस वजह से मुझे आज करना ही पड़ रहा है। चलो पहले वाला देख लिया,